सो हे गाइस, बेसिकली अभी शाम के 4:45 बजे है एंड मैं जा रहा हूँ एक्वेरियम शॉप बिकॉज मुझे लेनी है कुछ न्यू फिशेस। और मैंने मॉर्निंग में देख सकते हो एक शॉर्ट अपलोड किया था, मॉर्निंग में नहीं 12:00 के करीब, कि मुझे कौन सी फिश लेनी चाहिए हमारे न्यू प्लांटेड टैंक्स के लिए। तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि मुझे गप्पीज लेनी चाहिए, लेकिन मैं गप्पीज कैसे लूँ भाई। देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास एग्जॉटिक नहीं, मतलब ये नॉर्मल ब्रीड की गप्पीज है, और यहाँ पे मेरे पास 100 के आर पार है, मतलब 100+ मेरे पास गप्पीज की वेराइटीज़ है। और मैं सोच रहा हूँ गप्पीज एग्जॉटिक काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस टब में न्यू एग्जॉटिक गप्पीज ऐड कर दिए जाए। इसलिए मैं इस टब के अंदर गप्पीज एग्जॉटिक्स ऐड करने वाला हूँ, इसको न्यू सेटअप करके इसके प्लांट्स में किसी और टब में डाल दूंगा, बहुत स्पेस है यहाँ पे। और ये गप्पीज को मैं कुछ टाइम बाद ये और ग्रो हो जाएगी तो इनकी भी ब्रीडिंग कराऊंगा। और यहाँ पे जो पोलार पैरेट्स है, जैसे कि ये दिखेंगे नहीं, रुको अभी ये देखो, यहाँ पे एक पोलार पैरेट, यहाँ पे दो अभी दिख रहे हैं बिकॉज कल ही मैंने वाटर चेंज किया है इसका, और अभी मैं इनको फीडिंग डाल ही दूंगा वैसे भी। सो पोलार पैरेट्स का दो बैच है हमारे पास, ये एक और ये दूसरा एक। और हमारी जो पोलार पैरेट्स फीमेल थी वो मर चुकी है, सो अभी बैच कंटिन्यू करने के लिए मेरे को एक और फीमेल पोलार पैरेट लेकर आनी चाहिए मेल के साथ। और जो बाजू वाला टैंक है उसके अंदर एक सिंगर ओरिएंटर बार्ब है, सो मुझे उसके लिए भी देख रहा हूँ अभी एक्वेरियम शॉप जाके, देखते क्या क्या न्यू है। पहले इन्हें फीडिंग डाल देते, तो चलो पहले हम पोलार पैरेट्स के फ्राइज को फीडिंग डालेंगे, और फीडिंग डालने के टाइम पे देखते ये लोग आते हैं कि नहीं। सो देख सकते हो यहाँ पे दो पोलार पैरेट्स के फ्राइज है जो नीचे से ही फीडिंग ले रहे, और नीचे साइड में ही है पोलार पैरेट्स के फ्राइज। एक्चुअली मैं पोलार पैरेट्स को ज़्यादा टॉप पर आना पसंद नहीं है, इस वजह से वो लोग नीचे साइड ही रहते हैं। इसका जो देख सकते हो गप्पीज के टब में ऑलमोस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लोटिंग प्लांट्स हो चुके, इस वजह से आपको गप्पीज पूरी तरह से नहीं दिख रही होगी, बट बहुत ज़्यादा इसमें गप्पीज है और कलरेशन आना स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे। सो इन्हें भी अभी फीडिंग दे देता हूँ, देख सकते हो ये वैसे बेसिकली मेरे को देख के बहुत ज़्यादा आ जाते हैं पास में। सो पहले इन्हें फीडिंग दे देते हैं, और देख सकते हो ये देखो ये होता है एक्टिवनेस। तो बेसिकली अभी हमने इन सभी को फीडिंग दे दी है, एंड काफ़ी लोग मेरे को बोल रहे थे ना एग्जॉटिक गप्पीज लेकर आओ, तो मैंने अभी सोचा है अगर तुम लोग इस वीडियो पे 1000 व्यूज कर देते हो तो मैं जाके एक एग्जॉटिक गप्पीज की ब्रीड लेकर आऊँगा। जो तुम लोग कमेंट में एग्जॉटिक गप्पीज की ब्रीड बोलोगे मैं वो लेकर आऊँगा, बस शर्त ये है कि इस वीडियो पे आज 1000 व्यूज हो जाने चाहिए। एंड जैसे इस वीडियो पे 1000 व्यूज हो जाएंगे मैं इस प्लांट टैंक्स को पूरा सेटअप कर दूंगा, सॉरी इस टैंक को सेटअप कर दूंगा तुम लोगों के लिए, और इसके अंदर जो वैरायटीज की तुम लोग गप्पीज मेरे को सजेस्ट करोगे वो वैरायटीज की मैं गप्पीज लेकर आऊंगा। तो ये तुम लोग पे है, अभी हम लोग जाते हैं एंड वहाँ पे देखते हैं प्रायटी न्योन टेट्रा बाब जो फिशेस हमें पसंद आएगी वो हम ले लेंगे। सो वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दो और अभी हम लोग चलते हैं। सो चलो, तो बेसिकली अभी हमने डैनियंस लेकर आ गए हैं, और अभी मैं इनका टेम्परेचर एक्रीमेट कर रहा हूँ, कुछ टाइम बाद मैं इन्हें रिलीज़ कर दूंगा। और टैंक का भी थोड़ा वाटर जो है वो वाटर लेवल काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुका है, सो उसे भी कम कर दूंगा। तो अभी पहले इनका टेम्परेचर एक्रीमेट करते हैं और उसके बाद इन्हें रिलीज़ करेंगे। एक्रीमेट हो चुके हैं, सो मैंने इन्हें अभी रिलीज़ कर देता हूँ इस नेट से, और बस सो ये रिलीज़ हो चुके हैं। और अभी तुम लोग देख सकते हो ये लोग इस टैंक में बहुत ज़्यादा अच्छे से घूम रहे हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा कलरिंग में आ रहे हैं, देख सकते हो ये ग्लोइंग। एक ही उसके बाद एक्वेरियम में बस एक ही ये नियॉन कलर में, मतलब ये वाला ग्रीनिश कलर में था एक ही वाली, और बाकी सारे ऑरेंज थे, तो मैंने इसे भी बेसिकली ले लिया है। और देख सकते हो ये लोग आते ही काफ़ी ज़्यादा घूमने लग गए हैं, और तुम लोग बोलोगे कि मैं इन्हें मतलब डायरेक्टली इन्हें क्वारंटीन नहीं किया, बिकॉज यार अगर मैं इन्हें क्वारंटाइन कर देता सो मतलब क्या होता मेरा शॉप से जाके लेकर आने का। शॉप से अगर आप जाके कोई हेल्दी फिशेस कुछ इस तरह से लेके आओगे तो इसमें आपका फ़ायदा है, एक्सपीरियंस बेसिकली बढ़ेगा,
फिशेस को लेकर आने का। और देख सकते हो ये लोग अपना एक स्क्वाड तैयार करेंगे एक पबजी लुक लाइक्स, और ये काफ़ी ज़्यादा कलरिंग में मज़ा आ रही है इन्हें देखने में। और ये टैंक भी प्रॉपर साइकिल्ड हो चुका है बिकॉज मैंने इसमें ओल्ड टैंक वाटर भी यूज़ किया था, बस टैंक थोड़ा ज़्यादा फील है, लाइट टक टच हो रहा है हल्का हल्का आई थिंक। सो मुझे इसको थोड़ा सा इसका जो है लाइट्स को हटा देना है, बाकी ये पूरा क्लियर है और ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक लुक्स में है। तो मैं तुम लोग को सिनेमैटिक्स दिखाता हूँ, और तुम लोग तब तक वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और तुम लोग मेरे को बताना कि ये फिशेस कैसे लगे तुम लोग को कमेंट्स में।